श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में रविवार को हुए सीरियल धमाके में अब तक 156 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो शहर में 3 चर्च और 3 होटलों समेत 8 धमाके हुए। धमाका उस वक्त हुआ जब चर्च में ईस्टर की प्रार्थना सभा चल रही थी। इस दौरान भारी संख्या में लोग प्रार्थना सभा के लिए मौजूद थे। श्रीलंकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पिटिकलोबा, नेगोम्बो, कोलंबो के चर्च और होटल शांग्रीला समेत 6 जगहों पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोलंबो में 40, नेगोम्बो में 62 और पिटिकलोबा में 27 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। श्रीलंका में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। श्रीलंका में धमाकों का सिलसिला जारी है। 8वां धमाका हुआ श्रीलंका में, 7वां धमाका, 2 लोगों की मौत, मरने वालों में 35 विदेशी शामिल हैं। श्रीलंका के एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि आत्मघाती हमलावर द्वारा चर्चों में विस्फोट का संदेह है। श्रीलंकाई सरकार ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने फौरन आपात बैठक बुलाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने धमाकों पर शोक जताया और लोगों से शांति की अपील की। श्रीलंका में हुए ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त से लगातार संपर्क में हूँ। कोलंबो में सेंट एंटनी चर्च, नेगोम्बो कस्बे के सेबेस्टियन चर्च और बाटिकालोआ के चर्च में धमाका हुआ, जिन होटलों को निशाना बनाया गया है उनमें द शांग्रीला, द सिनामोन ग्रैंड और द किसबरी शामिल हैं। कोलंबो के चर्च में ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान स्थानीय समयानुसार सुबह 9:15 बजे पहला धमाका हुआ। सीरियल धमाकों में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया।